अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं आपका शेफ अफजल निजामी। आप देख रहे हैं निजामी स्वीट एंड कुकिंग। सबसे पहले तो आप लोगों का शुक्रिया अदा करूं कि आप लोगों ने बड़े प्यार और मोहब्बत के साथ इस चैनल को लेके चल रहे हैं। लेकिन लेके चलने का मतलब मैं आपको ये बता दूं कि आप और हम लोग जो हैं ये मिलके ही सारा निज़ाम इस जिंदगी का चलता है। आप अगर प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, चैनल को देखते हैं, तो उससे हमें माशाल्लाह खुशी होती है और सोचते ये हैं कि माशाल्लाह हमें भी चाहने वाले, प्यार करने वाले और मोहब्बत करने वाले हमें मिले हुए। बरकत सर्दियों की आमद आमद है और मैं समझता हूँ कि सर्दियों से पहले पहले जो है ये चीजें आपको मैं समझा दूं और माशाल्लाह ये सिखा दूं। सर्दियों की चीजें बहुत कुछ है, आगे चल के इंशाल्लाह बहुत कुछ है। आज जो है ये सर्दियों का पहला आइटम जो है ये मैं रेडी कर रहा हूँ। आज इंशाल्लाह ये सिखाऊंगा आपको पंजीरी। अच्छा, ये दो तरह से इस्तेमाल होगी। शुगर फ्री वाले लोग जो हैं, जो डायबिटिक के लोग हैं, वो जो हैं वो भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। वो मैं आपको बता दूंगा कि आपने लास्ट में इसके में चीनी पिसी हुई जो डालनी है वो नहीं डालनी। अपनी दवाई जो है डॉक्टर के मुताबिक जो है जितनी उन्होंने एक आपको डोज दी हुई है वो आपने इसके अंदर डाल के आपने वो पंजीरी को एंजॉय कर सकते हैं। तो बाकी देख लीजिएगा, इंशाल्लाह मशवरा कर लीजिएगा कि ये जो तमाम ताकतवर चीजें हैं, आया वो पेशेंट जो है डेबिट वाला पेशेंट जो है वो आया खा सकता है या नहीं खा सकता, ये अपने डॉक्टर से रिव्यू करें। और चलते हैं अपने किचन की तरफ के क्या क्या चीजें पंजीरी के अंदर जो है वो डलेंगी। अच्छा, सबसे पहले जो है पंजीरी के लिए आपको सूजी चाहिए। आधा किलो सूजी का मैं बना रहा हूं। एक दफा यही इंग्रेडिएंट जो है आपने छोटे से जो है वो बना लेने हैं अगर आप फर्स्ट टाइम जो है वो इसको बना रहे हैं। आधा किलो सूजी है मेरे पास, एक पाव चीनी जो है वो इसके अंदर डालूंगा, पिसी हुई चीनी। अगर पिसी हुई चीनी बाजार से मिल जाए आपको बेटर है, अदरवाइज आपने क्या करना है कि घर में चीनी को जो है वो पीस लेना है। अच्छा जी, एक पाव चीनी है पिसी हुई, आधा किलो सूजी है मेरे पास, इसके अंदर जो है ये गोंद कनी है, ठीक है, बहुत ही ताकतवर चीज है ये, ठीक है। इसके साथ फूल मखाने हैं और हाँ मैं इसको बता दूं आपको कि 20 ग्राम जो है वो ये जाएगी आपको इसके अंदर गोंद कनी जो है, और 20 ही ग्राम जो है ये फूल मखाने इसके अंदर जाएंगे, और ये क्वार्टर टी स्पून जो है वो इसके अंदर जाएगी कमर कास। क्या खूबसूरती अल्लाह पाक ने ये क्या क्या नेमतें हमें अता की हुई हैं। आप इसकी खूबसूरती देखें, इसकी चमक देखें, जैसे सोना है, ठीक है। इसके साथ जो है ये 20 ग्राम जो है ये चार मगज हैं, ठीक है, ये चार पांच इलायची हैं, छोटी इलायची, इसके बगैर तो आपको पता है कि मिठाई का तो तसव्वुर भी नहीं होता। और इसके साथ जो है ये 20 ग्राम जो है ये काजू है, ठीक है, अच्छी वाली चीजें लीजिएगा। और इसके साथ पिस्ता जो है और बादाम जो है ये भी इसके अंदर शामिल करेंगे। ये काजू जायद हैं, वो भी काजू हैं 20 ग्राम। और घी जो है इसके अंदर एक पाव जाएगा, आधा किलो सूजी के अंदर एक पाव घी हाफ रखना है, ठीक है, इस चीज का ख्याल कीजिएगा। ये चीजें हैं इसके साथ और इंशाल्लाह इसको स्टार्ट करते हैं। और आज मैंने एक और मेरे जेन ने काम किया कि आज करते क्या हैं कि आप लोग सीखने वाले जो बच्चे हैं उनको इस तरीके से मैं अवेयरनेस दूंगा कि तैयब को मैं बुलाता हूं, उसी से ये सारा काम करवाता हूं और मैं साथ खड़ा रहूंगा, साथ साथ मैं भी उसकी हेल्प करता रहूंगा। और उम्मीद करता हूं कि जिस तरीके से तैयब अगर बना लेगा तो फ्रेश बच्चे जो हैं वो भी इसको बना लेंगे, ठीक है। ये तमाम इंग्रेडिएंट्स के जितने भी क्वांटिटी है ये मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर जो है वो दे दूंगा, और उम्मीद करता हूं कि इसी को आप फॉलो करते हुए आप इसको बना लेते हैं। तो बुलाते हैं तैयब निजामी को। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप, ठीक ठाक हैं, खैरियत है। लो जी तैयब साहब, आपके लिए ये टारगेट है तो आपने ये पूरा करना है, मैं आपको इंशाल्लाह बताता जाऊंगा। पता क्या बात है, आपको बुलाने का मेरा मकसद ये है कि एक तो एक काम आपके हाथ में आ जाए, और जो जिंदगी के अंदर मैंने जिंदगी गुजारी है इन्हीं के साथ, माशाल्लाह जवान हो गए ये बच्चों वाले लेडीज जो हैं वो हो गई और माशाल्लाह जिंदगी गुजार रही, एक 20 साल का अरसा इनके साथ गुजरा है, और मैं ये समझता हूं कि आप लोग जो हैं वो तैयब है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि जिस तरीके से मैं इसको समझाऊंगा इसी तरीके से माशाल्लाह उसको आप फॉलो करते हुए इन कामों को कर लेंगे, और माशाल्लाह बड़ी खुशी होगी।
और स्टार्ट करते हैं काम को। सबसे पहले जो है ये चीजें जो हैं इनको फ्राई करेंगे। सॉरी, घी जो है ये हम डालेंगे इस तरफ करो, ये घी डालेंगे इसके अंदर। ये तमाम चीजें देखें, फ्राई होने वाली चीज जो है वो है फूल मखाने, गोंद कनी, ठीक है, पिस्ता। पिस्ते को फ्राई नहीं कीजिएगा, ये जेन में रख लीजिएगा, पिस्ते को कभी भी फ्राई नहीं किया जाता। बादाम, उसको हम रोस्ट करेंगे, और इसके साथ जो है काजू को रोस्ट करेंगे, बकाया किसी चीज को। काजू और फूल मखाने और बादाम ये और गोंद कनी जो है, ये चार चीजें जो है ये मान से हम इसको फ्राई कर लेंगे। जिसको फ्राई करना है वो फ्राई करेंगे, जिसको रोस्ट करना है वो रोस्ट कर लेंगे हम, ठीक है। थोड़ा सा घी डालेंगे, तैयब थोड़ा सा घी डालो और इसको रोस्ट करो। इसको पहले काजू और बादाम डाल लीजिएगा। चलो बहुत है, हाथ के साथ साफ कर लो इसको। तो चूल्हे को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। इसके अंदर हम सिर्फ काजू और बादाम जो है ये दोनों डालेंगे इसके अंदर, ठीक है। तो इसको हम फ्राई करेंगे, फ्राई क्या रोस्ट करेंगे हम, क्या अच्छा सा माशाल्लाह। अच्छा, ये चीजें जो हैं ये मोटी मोटी रखनी है, दादड़ रखनी है, दादड़ पाउडर नहीं करना। मांस वाय, ये गोंद कनी जो है इसको मैंने मोटी मोटी थी, इतनी इतनी मोटी थी ये, तो मैंने इसको बिल्कुल जो है वो बारीक कर लिया। आप इसको अगर बारीक कुंडी के अंदर डाल के डंडे के साथ मैंने किया, पता क्या है, अगर मैं इसके ब्लेंडर के अंदर इसको ये इसके अंदर डालता ना तो ये बिल्कुल पाउडर करके रख देता। तो पाउडर हमें नहीं चाहिए इसका, थोड़ा थोड़ा मुंह में आना चाहिए, क्रिस्पी पान इसका होना चाहिए, ठीक है। तो जरा सा घी गर्म हो जाता है तो आपको आके हम बताते हैं कि किस तरीके से हमने इसको कितनी देर, 1-2 मिनट तक हमने इसको रोस्ट करना है। रोस्ट करने के बाद हम इसको निकालते जाएंगे। अच्छा जी, चलें जी स्टार्ट करें। घी जो था हमारा गर्म हो चुका है। हाँ हाँ, ठीक है। और पहले काजू और इसके साथ ही बादाम डालते इसको रोस्ट करना, क्योंकि दोनों एक ही चीज है ना। हल्का सा रोस्ट करना है इसको, और इसको दादड़ हमने करना है, इसका पाउडर वाउडर नहीं बनाना, क्योंकि जब भी हम इसको पंजीरी को खाएंगे तो ये मुंह में बादाम और ये जो काजू है ये मुंह में आने चाहिए। पिस्ते को भी दादड़ कर लेंगे, कूट लेंगे, कूटने का मतलब ये है कि उसको तोड़ फोड़ कर लेंगे उसकी। वो कुंडी में करेंगे, वो कुंडी में ही करेंगे। ग्राइंडर लग गया तो फिर ये तो पाउडर हो गया ना, क्योंकि बंदा खाए पता चलेगा यार। हाँ, ये देखे 1-2 मिनट तक आपने जरा सा ये ब्राउनिश हो जाते हैं, और चलाओ 2-1 मिनट के लिए, ठीक है। बस निकाल लो। पानी वाली में ठंडी थी ना, ये देखें माशाल्लाह कैसे प्यारे रोस्ट हो चुके हैं। बहरहाल ये है तैयब, काम की तरफ तो जो भी बच्चा काम करे, जो जो है पहली दफा फर्स्ट टाइम जो है वो काम करे, कितने प्यारे हो गए, जबरदस्त ब्राउन हो गए। और बादामी फूल मखाने, हाँ डाले 20 ग्राम फूल मखाने हैं, और इसको रोस्ट करें। और मैं क्या करूँगा, आपकी हेल्प करता हूँ, मैं इस तरफ जो है वो सूजी भूनता हूँ, ठीक है। घी को डालते हैं और घी के अंदर जो है वो छोड़ दे, अच्छा यहाँ पे मैंने जो है वो घी मैंने इसके अंदर डाल दिया है, और इसके अंदर डालेंगे सूजी। लेकिन घी जरा मेल्ट हो जाएगा तो आपने सूजी डालनी है। अब ये वही काम होने वाला है जो कि हम, मैं और सादत सदीकी जो है वो टीवी पे किया करते थे। कभी फोन बोला करता था और कभी मैं बोला करता था, लेकिन अभी तैयब से मैं, मेरी कोशिश ये है कि एक तो काम इसके हाथ से करवाऊं। मुझे तो ये देखता ही रहता है, करता है, समझता ही रहता है, लेकिन जब तक काम आप अपने हाथ से नहीं करोगे उतनी देर तक काम जो है वो आपको नहीं आएगा, जो मर्जी कर लें। ये भी लाइट ब्राउन होनी है। हाँ माशाल्लाह, अच्छी बात। और इसको बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं। और सूजी है, देखें ये ड्राई सूजी होती है, ठीक है, खुशक होती है, इसको भी निकाल लें। अभी घी जो है इस तरफ 1/2 किलो सूजी और 1 पाव घी जो है वो मैंने इसके अंदर डाल दिया है। घी गर्म होता है, फिर 1/2 किलो सूजी इसके अंदर शामिल कर देंगे। अब गोंद कनी जो है उसको फ्राई करना है हमने। डालें, फैला के डालना है इसको, ये कठी हो जाएगी। लाओ अब इसको,
ये डालनी है घी के अंदर आपने, इसको फैला के डालना है कि दाना दाना जो है अलग हो जाए, कोई मसला नहीं है, जुड़ गई है, लेकिन ये है कि जरा सा इसको ठंडी करके जरा सा हाथ मारेंगे, ये बिल्कुल क्योंकि क्रिस्पी हो जाती है ये माशाल्लाह आपकी गोल कनी जो है ये रेडी हो चुकी है। निकाल लें इसको, ऐसे ही निकाल लें, कौन सा घी है इसमें, ठीक है। ये देखें गोल कनी माशाल्लाह फ्राई हो चुकी है। अब किसी भी चीज को आपने फ्राई नहीं करना, ठीक है। तैयब जो ये पांच छह इलायची है जो डालनी है वो यहाँ पे इसको जरा सा बेलन के साथ जो है इसके छिलके उतार ले, और छिलके उतार के ये तमाम देखें गोंद कनी जो है ये फ्राई हो चुकी है, बादाम और ये जो काजू है ये भी फ्राई हो चुका है, और मखाने जो हैं ये भी आपके फूल मखाने 20-20 ग्राम है ये भी फ्राई हो चुके हैं। और ये तमाम अब कोई चीज फ्राई नहीं करनी। अब मैं क्या करूंगा कि इधर घी जो है ये भी गर्म हो चुका है, और इस घी को जो है इसके अंदर हम डालेंगे सूजी। अच्छा अच्छा जी, माशाल्लाह इस तरफ से इस तरफ ले आया हूं मैं, इसलिए कि आपको समझ आ सके, बिल्कुल इसका फोकस हो, आपकी नजरें इसके ऊपर हो। अच्छा, इसको आपने सिर्फ गर्म के अंदर कमर का जो है ये कमर के लिए, जितनी भी कमर दर्द होती हो ये कुदरती हर्ब है, ये जड़ी बूटी है, और ये जो है ये कमर के लिए बहुत ही अच्छी है, ठीक है। इसलिए इसको डालते हैं कि एक तो फूल मखाने हैं ये माशाल्लाह खून को गर्म करते हैं, गर्म रखते हैं, और उसके बाद जो है मैं समझता हूँ कि सर्दी से बचा रहता है इंसान, और ताकतवर जो है वो आपके पास बादाम हैं, और उसके साथ जो है वो काजू है, और इसकी तो क्या ही बात है, गोंद कनी जो है इसकी तो बात ही कुछ और है। ये कुदरत ने ऐसी नेमतें दी हुई हैं, देखे ना हिसाब, आपके मसल्स के लिए जो है ये बड़ी पावरफुल चीज है, और बहुत सारी चीजें हैं जो मैं जानता हूं, लेकिन यहां पे मैं कहना नहीं चाहता, लेकिन मैं कहता हूं कि ये जो गोंद कनी है ये ताकत का खजाना है, लेडीज के लिए भी, बच्चों के लिए भी, और बड़ों के लिए भी। अब आप आगे थोड़ा सा समझ जाइएगा कि क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि मैं कह नहीं पा रहा, तो कहना चाहता भी नहीं हूं। अब घी जो है ये हमारा गर्म हो चुका है, और आप देखें आप मैंने सूजी जो है इसके अंदर शामिल कर दी है, सूखा आपने भुनना है, दरमियानी आंच रखनी है आपने, और दरमियानी आंच रख के आपने इसको बिल्कुल ब्राउन करना है, ठीक है। बहुत ज्यादा ब्राउन ना कीजिएगा, लेकिन ब्राउन कर लीजिएगा, इसकी वजह यह है कि कच्चा पानी इसके अंदर ना रहे। इलायची पिस गई है, हाँ इलायची पिस गई। अब आ जाएं आप अपने काम की तरफ, इसी तरीके से आपने नीचे से उठा के इसको, क्योंकि ड्राई है ना, खुशक है ना, तो ये अगर आपने इस तरीके से इसको चलाया तो फिर मजा नहीं आएगा, अच्छे तरीके से भुनेगी नहीं। आपने इस तरीके से चारों तरफ से आपने इसको भूनते रहना और ब्राउन कर लेना है। कपड़ा लेना, चलो पापा रेड एंड कर रहे हो, मैं लेती हूँ। अच्छा, लेकिन ये चीज देखी है मैंने, लेफ्टी लोग जो हैं वो लिखते बड़ा अच्छा है लिखाई में, उर्दू मेरे साथ मेरे दोस्त थे जो कि पढ़ते थे, लेकिन वो लेफ्टी थे, और हम अगर लेफ्ट के साथ करते थे तो वो बनता ही कुछ नहीं, कोई लिखा ही नहीं जाता था, लेकिन जब वो इंग्लिश लिखते थे तो क्या ही बात थी, बहुत जबरदस्त माशाल्लाह वो लिखा करते थे। और एक चीज और बता दूं मैं, मेरे देखने में ये आया है कि लेफ्टी लोग वैसे भी खुशकिस्मत लोग होते हैं, देखा है मैंने, पता नहीं क्यों ऐसा, इसके बारे में मैं कोई फार्मिस्ट नहीं हूँ कि हाथ देखने वाला हूँ या कोई ऐसा है, लेकिन जो जिंदगी के अंदर देखा है, जो सुना है, माशाल्लाह बड़े अच्छे अच्छे उहदों पे वो लड़के लगे हैं, और माशाल्लाह जिंदगी अच्छी उनकी गुजर रही है, तो बड़े खुशकिस्मत लोग होते हैं। पर क्या भी ये कुदरत को पता है कितना किसके नसीब में लिखा हुआ है, ये तो वो देता है, लेकिन इंसान को फिक्र नहीं करनी चाहिए कि अल्लाह पाक जितना रखे जहाँ पे रखे उसका शुक्र अदा करना चाहिए, और हमेशा जो है वो नमाज पढ़ के दुआ करनी चाहिए कि मेरे परवरदिगार तेरा लाख लाख शुक्र है कि जो भी तूने अता किया इस पे मैं तेरा शुक्र गुजार हूँ। तो अल्लाह पाक शुक्र करने वाले लोगों को बहुत पसंद करता है, और अगर कोई गलती कुताही हो गए तो माफ भी कर देता है, क्योंकि गफूर रहीम है, 70 माओ जितना प्यार करने वाला है मेरा परवरदिगार। तो ये चीजें जो है ये इंशाल्लाह इनको जहन में रखिएगा, क्योंकि हम मुसलमान लोग हैं, जब तक नमाज नहीं पढ़ते तो सुकून नहीं आता, तो मैं कहता हूँ कि ये चीजें ना छोड़े। एक घंटे का काम है पांच नमाजों का, एक घंटे का टोटली अगर आप लगाएं तो एक घंटा 10 मिनट लगते हैं पूरे तो दिन का, पूरे 24 आवर्स का, 24 घंटे का सिर्फ एक घंटा को 20 मिनट लगते हैं अल्हम्दुलिल्लाह वो पूरी।
इस पे बात नहीं करते क्योंकि वो कोई मैं आलम तो हूं नहीं हूं, लेकिन ये जो अच्छी बात लगती है वो मैं बता देता हूँ। अच्छा अक्सर बेशतर मैं मुझे लोग कॉमर्स करते हैं कि सर बाप के बारे में भी कुछ बताया करें। भाई बाप तो कुदरत की ऐसी नेमत है कि जो बताता नहीं है, लेकिन जिंदगी भर जो है वो इंसान अपने बच्चों के लिए जो है वो पता नहीं क्या क्या करता रहता है, पता नहीं खुदा बेहतर जानता है कितनी मुसीबतें बर्दाश्त करता है। तो किसी कुछ लोग जो हैं वो एज ए बाप माशाल्लाह अच्छे उहदों पे हो जाते हैं तो बच्चों को आसानी से जो है वो सब कर, लेकिन सबके नसीब में तो ऐसा नहीं होता। लेकिन मैं कहता हूँ कि बाप का भी नेमत बदल, माँ का भी कोई नहीं है और बाप का भी कोई नेमत बदल नहीं है। अल्लाह पाक हमारी दुआ है कि सबके माँ बाप को जो है वो सलामत रखे और सेहत और तंदरुस्ती वाली जिंदगी अता फरमाए। बस इतनी सी बात करेंगे, इससे ज्यादा तो बात नहीं करेंगे। आप माशाल्लाह ये सूजी जो है ये भून रही है और जरा सी ब्राउन करके आप बताते हैं कि हल्की आंच पे ये भून रही है, जैसे ही ये ब्राउन हो जाती है तो फिर आपको बताते हैं। अच्छा जी आप माशाल्लाह ये सूजी भुनी नहीं है अभी, लेकिन ये है कि थोड़ा सा काम करने वाला था, तैयब को मैंने बोला कि मैं तेरी हेल्प करता हूँ और सूजी को, हाँ देसी घी का बताना जो है ये भूल गया, तो देसी घी जो है वो इस्तेमाल कीजिएगा। ठीक है घी मैंने बोल दिया लेकिन देसी घी जो है ये मैंने नहीं बताया आपको, कोशिश ये करें कि देसी घी ही आजकल सर्दियों के मौसम के अंदर जो है वो देसी घी की इन चीज़ों के लिए जो है वो बहुत ही अहम किरदार अदा करता है। देसी घी के बारे में आपको बता दूं कि वो एक तो मोटापा पैदा नहीं करता और माशाल्लाह ताकत पैदा करता है, इस आपको मजबूत बनाता है। लेकिन आजकल तो दुनिया भाई ये पता नहीं क्या क्या चीज़ें हो गई हैं और लोग समझते हैं कि नहीं ये लोग जो हैं ये अच्छा नहीं बताते, इनको खबर नहीं है, हम बहुत अकलमंद हैं। ये भी मेरे पास एक दो मैसेज, एक मैसेज आया था कि सर ये क्या कर रहे हैं आप, देसी घी को खाने वाली चीज़ है। मैंने कहा शाबाश, मैंने कहा तेरे को अल्लाह ने अकल इतनी दी है तो तू जो बता रहा है मुझे बता रही है या बता रहा है, मैं ये तो क्या कर सकते हैं भाई, हम किसी को ये तो नहीं कह सकते कि नहीं आप छोड़ दें इस चीज़ को, लेकिन ये उसका अपना एक माइंड है क्योंकि उसने ना कभी खाया ना उसके वालदैन ने उनको बताया और हमने जो जिंदगी में किया है जब तक जिंदा हैं जो खाया है हमने वही हम बताते रहेंगे आपको। और अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी जिंदगी गुजर रही है, अल्हम्दुलिल्लाह औलाद जवान है माशाल्लाह, सब खुशियां देख रहे हैं। और आजकल देख लें जो लोग आजकल का ये पिज्जा वगैरह ये ले आए जी वो ले आए, सर्दी हमें नींद नहीं आती, रात को मियाँ को बोलते हैं कि जी रात को पिज्जा और शॉर्मा और पता नहीं क्या क्या लेके आए, तो बीमारियों के मुर्तबे हो गए, अल्लाह माफ करे। ये तो अच्छा, यहाँ पे जो है ये हमारी सूजी ब्राउन हो रही है और मैं इन चीजों को दादर कर लेता। हाँ बिल्कुल, इनको जो है ना वो हल्का सा जो है पहले इसको कर ले, इसको इसमें डाल लेना, ठीक है बॉल में डालना सारा। हाँ ये सारा बार बारी कूट के जो है, हाँ बहुत बारीक नहीं करना, लेकिन पिस्ता आधा डालना है, 20 ग्राम पिस्ता है, ठीक है आधा पिस्ता डाल के उसको कर लें, लेकिन पिस्ते को फ्राई ना कीजिएगा, ये मैं बार बार ये चीजें बता रहा हूँ आपको। बाकी हर चीज को शैलो फ्राई कर लें, आप फ्राई कर लें, रोस्ट कर लें, ठीक है कोई बात नहीं, कोई मसला नहीं है, लेकिन पिस्ते को ना कीजिएगा, ठीक है पिस्ता ऐसे ही डालिएगा। बस ये माशाल्लाह करीब करीब है और माशाल्लाह ये बेहतरीन सी सूजी जो है ये आपकी। अच्छा जैसे सूजी आपकी भून जाए ना ब्राउन हो जाए तो आपने इसको ऐसे ही नहीं रख देना, 2 मिनट के लिए हिलाते रहना है कि पसीना आ गया जी हम इसको छोड़ देते हैं हमारी सूजी, लेकिन ये कि जब तक इसकी गर्माइश निकल नहीं जाती, इसका टेम्परेचर डाउन नहीं हो जाता, उतनी देर तक आपने कढ़ाई के अंदर इसको इसी तरीके से चलाते रहना है जी। तो आपने देखा माशाल्लाह तैयब साहब आपकी सूजी जो है ये मैंने भून दी है आपने कुछ भी किया, तो सूजी जो है ये ब्राउन हो चुकी है, ठीक है लाइट ब्राउन से थोड़ा सा तेज कलर कीजिएगा क्योंकि खुशबू आती है, मुझे तो खुशबू आनी शुरू हो गई इसकी, तो मैंने इसलिए अब देखे ना ये चीजें जो हैं ये मैं आपको समझा रहा था कि मैंने चूल्हा तो बंद कर दिया अभी, लेकिन सूजी को मैं चलाए जा रहा हूँ, अगर मैं ऐसे ही रहने दे दूंगा ना तो फिर नीचे से ये जल जाएगी सूजी आपकी, क्योंकि गर्माइश बहुत है इसके अंदर इस वक्त माशाल्लाह, पता नहीं इसका कितना टेम्परेचर है, तो ये चीजें जो है ये ध्यान में रखिएगा इसको चलाते। हाँ बड़ी अच्छी है, अच्छी है, जरा मुंह में आना चाहिए, मजा आए पता चले। अच्छा ये देखें ये हमारा दादड़, ये भी देख दादड़ अच्छे तरीके से नहीं कर रहा ना इसको, तो बस ये चीजें जो है ये माशाल्लाह। अच्छा एक चीज आपने आपको बता दूं कि जैसे ही टिप बता रहा हूँ आपको कि ये जैसे ही हमारी सूजी जो है ये भुनी, इसको थोड़ा सा आपने हलाया, ये हल्का सा ठंडा हो गया
और इसके अंदर जो है ये आपने ये जो कमर कास है ये हल्के से भूनना नहीं है, इसको फ्राई आपने नहीं करना। ये जो कमर कास है ये इसी तरीके से खाई जाती है, और इसी गरम के अंदर जो है सूजी के अंदर आपने डाल देना है, माशाल्लाह ये सेट हो जाएगी। ठीक है, ये क्वार्टर टी स्पून है, ये मैं बता रहा हूँ बार बार के, क्वार्टर टी स्पून जो है ये आपने कमर कास इसके अंदर डाल देनी है। बस आपने इसको भूनना नहीं है, काली नहीं करना, आपने कुछ नहीं करना, आपने जरा सी गर्म आपकी सूजी रह जाए तो आपने इसके अंदर डाल देनी है। अब सूजी को एक साइड पे हटा देते हैं क्योंकि ये ठंडी हो जाए, अभी तो बहुत गर्म है, और ये तमाम चीजें जो हैं ये भी इसके अंदर डाल देंगे। लेकिन चीनी जो है ये देखें, ये तमाम चीजें जो हैं पिस्ता बादाम काजू ये मैंने इसके अंदर डाल दिया, और ये जो है ये भी आने दें इसके अंदर, ठीक है, क्योंकि अभी उसकी गर्माइश कम हो गई है, छोड़ दे। चलेंगे ये गई गोंदकनी इसके अंदर, हाँ थोड़ा सा आधा आधा कर लो, क्योंकि फूल मखाने बहुत मोटे मोटे होते हैं ना, तो वो अगर मुंह में अच्छे नहीं लगते तो मैंने कहा तोड़ के इसके अंदर डालते हैं, खाने में भी मजा आएगा और माशाल्लाह इसको बड़ा प्यारा मजा, हल्का 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 हल्का। चल बस बस, जो बड़े बड़े हैं वो छोटे हो गए, ठीक है डाल दें इसको। ये जी फूल मखाने भी इसके अंदर गए, और माशाल्लाह हमारा, हमारे 4 मगज, हाँ ये भी आने दो। अब क्योंकि ये सूजी ठंडी होगी लेकिन इतनी ठंडी नहीं है कि हम इसको डाल दें इसमें, ये 4 मगज हैं, ठीक है, इसके साथ इलायची का दाना, ठीक है 4-5 इलायची का दाना ये भी इसके अंदर मैंने डाल दिया। अब ये तमाम हमारी जो है रेसिपी ये मुकम्मल हो चुकी है, अब और इसके अंदर कुछ नहीं डालना हमने, और माशाल्लाह ये रेडी हो चुकी है। बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है, हाँ दिल कर माशाल्लाह, रहा है बाकी जल्दी जल्दी बनाने खाने वाली बात कर रही है। तो ये माशाल्लाह अभी अभी इसको और ठंडा करेंगे, क्योंकि बिल्कुल ठंडा करके इसके अंदर चीनी डालनी है। इस वक्त तक आपको भी इंतजार करना पड़ेगा कि जब तक ये हमारी सूजी जो है ये ठंडी नहीं हो जाती, हम जो पंखे को तेज कर देते हैं और इसको फौरन ठंडा करते हैं, और आके इसके अंदर हम चीनी डालेंगे, मिक्स करेंगे, फिर आपको निकाल के दिखाएंगे कितनी खूबसूरत ये जो हमारी पंजीरी है ये माशाल्लाह तैयार हो गई, और अभी इसको ठंडा होने देते हैं। अच्छा जी माशाल्लाह, ये हमारी जो पंजीरी है ये माशाल्लाह ठंडी हो चुकी है, ठीक है, उल्टा हाथ लगा के देखिएगा, अब इसके अंदर कोई गर्माइश नहीं है, ठीक है। अब हम इसके अंदर पाव भर चीनी डालेंगे, 1 पाव चीनी, आधा किलो सूजी हमने भूनी है, डालें चीनी। अच्छा तो ये पहले बताएं कि इसमें गर्म चीनी क्यों नहीं डाल, मतलब गर्म गर्म चीनी क्यों नहीं डाली? बहुत अच्छा सवाल किया आपने। अच्छा देखिए, ये चीज जो है ये मैं समझता हूँ कि बड़ी अच्छी बात है, इस तरह आपके दिल में भी सवाल होगा कि गर्म में डाल देंगे तो क्या होगा, लेकिन मैं पहले काफी पहले बता चुका हूँ कि गर्म के अंदर डालेंगे चीनी आपकी मेल्ट होके पानी छोड़ देगी, ठीक है, इसलिए हमने इसको बिल्कुल ठंडा करना है, ठंडा करके हमने इसके अंदर चीनी शामिल करनी है। तो बिस्मिल्लाह बड़े चीनी डालें इसमें, डाल दे नीचे करके ना। अच्छा ये मैं बार बार आपको दोबारा भी बता रहा हूँ कि अगर जो भी लोग हैं वो यहां तक रहे, अगर आप शुगर के पेशेंट हैं तो आपने इससे अलग कर लेनी है चीनी, बच्चों के लिए आपने चीनी डाल देनी है, पंजीरी आपने अलग कर लेनी है, उसके अंदर डॉक्टर के मुताबिक जो है वो दवाई डाल के आप भी साथ साथ एंजॉय कर सकते हैं। अच्छा जो चीज ये डेबिट वालों के लिए जो चीज जो है ये मैं कर सकता हूँ, जहां पे मेरा दिमाग काम करेगा कि ये जो है ये खा सकता है, तो मैं उम्मीद करता हूँ मैं वहां तक बताता रहूंगा इंशाल्लाह, ठीक है। देखें कितनी खूबसूरत माशाल्लाह ये तैयार हो गई, और आज कुछ नहीं कुछ नहीं तो फर्स्ट टाइम है, तैयब ने ये है कि चिंपंजी तो सीख ली है, क्या कहेंगे तैयब आप? मैं ये आप लोगों से कहना चाहता हूँ, अगर ये चीज मैं बना सकता हूँ तो आप लोग भी इसको जरूर बनाइए, और आप लोग बना सकते हैं, ठीक है, दिल को तैयार करेंगे, नहीं हमने करना है तो हम करेंगे इंशाल्लाह, और जैसे मैंने आज कर लिया वैसे आप भी इंशाल्लाह करेंगे। हाँ तो ये आप ये कहना चाहते हैं अगर पापा के साथ खड़ा हो गया मैं बना सकता हूँ तो आप लोग भी बना सकते हैं, हिम्मत करें। मैं अक्सर देखता था पापा पापा बना रहे, बोली अच्छा जा रहे, बोली जा रहे, तो चुप नहीं करते, तो मुझे इतनी बातें आती नहीं है। नहीं नहीं बातों की बात नहीं है, देखें वक्त के साथ साथ हर इंसान जो है वो सीखता है, बिल्कुल ठीक है। आप ये समझे कि आज मेरा बातों करने का पहला दिन है, पहला आप कभी अटक जाएंगे, आप कभी घबराएंगे कि पापा साथ खड़े हुए हैं, ये गलत तो नहीं मैं कह रहा, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन ये एक इंसान कोई भी माँ के पेट से कोई भी सीख के नहीं आता। अब हम क्या करेंगे कि माशाल्लाह ये रेडी हो चुकी है, अब इसको डिश आउट करेंगे खूबसूरती के साथ, हम नट्स के साथ इसको सजा के आपको दिखा देंगे।
तैयब, ये आप ही नहीं बनाई है और आप ही खा के बताएंगे ये कैसी है। ये समझे कि मैं आप लोगों को ये दे रहा हूँ, ठीक है। छोटा सा आप चम्मच लें, एक बाइल लें, आपको पता चले कि ये क्या इसकी खुशबू है, क्या इसका मशाला टेस्ट है। फाइन, माशाल्लाह बहुत ही जबरदस्त और बहुत अच्छा टेस्ट है। हर चीज का अलग अलग टेस्ट आ रहा है, बादाम, पिस्ता, काजू वगैरह, हर एक चीज अलग अलग जल्दी मुगल आ रहा है। दादर की ना, इसलिए बहुत अच्छा टेस्ट है। अच्छा, एक चीज और बता दूं आपको कि अगर नट्स आप ज्यादा इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, अल्लाह पाक ने आपको ये तकलीफ दी हुई है, तो आपको कोई वो ममानियत नहीं है। 20 ग्राम की जगह आप 50 ग्राम भी इसके अंदर हर चीज, पिस्ता, काजू, बादाम, फुल मखाने ज्यादा भी कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं, ठीक है, अगर आप मुनासिब समझे तो। बस ये आज का जो है ये ब्लॉग, माशाल्लाह आज पंजीरी है और पंजीरी का ब्लॉग जो है इसको एंड करते हैं। और थैंक यू सो मच यार तैयब, थैंक यू, माशाल्लाह बहुत अच्छा काम किया। आप घबराए नहीं, पहला दिन है आपका, और आपका जो है वो लेवल थोड़ा सा गिर रहा था स्पीक पावर का, लेकिन ये कोई बात नहीं, इंशाल्लाह आइंदा जो है वो माशाल्लाह सही रहेगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि इसको आप बनाएंगे, बना के अपनों में, अपने प्यारों में, अपने अजीजों में इसको तकसीम करेंगे, और कुछ नहीं तो घर के अंदर ही चेक करवा के जो है वो आप दाद वसूल कर लीजिएगा। और बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, और चलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट ब्लॉग तक, आपको इंतजार करना पड़ेगा। बहुत अच्छी चीजें हैं जो कि सर्दियों के लिए हमने जो इसकी लिस्ट बनाई हुई है, उम्मीद करते हैं कि आप लोग तमाम सर्दियां जो है मजेदार प्रोग्राम मिलेंगे। इसके साथ ही तैयब निजामी को और अफजल निजामी को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज़।